जय भारत मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, हवे केमिस्ट्री नी अंदर आपणे ऑलमोस्ट नहीं आम तो पहलू चेप्टर कम्प्लीट करी नाखेलू छे। हवे पहलू चेप्टर आपणे कह्युं हतुं के स्ट्रक्चर ऑफ धी एटम, के एटम एटले के अणु परमाणु कई रीतना वर्क करे छे। सौथी पहला तो ए कई रीतना अस्तित्वमां आव्युं, अलग अलग आपणे वैज्ञानिको जोया हता, कया हता ते रूथरफोर्ड, डाल्टन, थॉम्सन, बोहर, ए बधाए पोतपोताना नॉलेज प्रमाणे, पोतपोताना एक्सपीरियंस प्रमाणे, पोतपोतानी इंटेलिजेंस प्रमाणे अलग अलग प्रकारना परमाणु केवो हशे एना विशे एने चर्चा करी अने आपने थोड़ूक नॉलेज पूरु पाड्यु। पछी आपणे लास्टमां जोयुं तो आइसोट्रोप, आइसोबार, एनी पहेला आपणे जोयुं तो परमाणु नंबर, परमाणु भारांक, एनी आगळ आपणे जोयुं तो प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अने तेनी प्रॉपर्टीज, अने सौथी आगळ आपणे जोयुं तो के परमाणु एटले शू। सौथी पहेला डाल्टने कीधुं तुं के एक इनडिविजिबल पार्ट छे, मीन्स के परमाणु आगळ हवे एनुं फरीथी डिविजन थई शकतुं नथी। तो आ हतुं आખું परमाणु अथवा अणुनी अथवा तो एटॉमिक थियरीनी आखी टाइमलाइन। हवे आजे आपणे शुं करवानुं छे, एक नवुं स्टेप चेप्टर स्टार्ट करवानुं छे। पण नवुं चेप्टर स्टार्ट करता पहेला आपणे आ जे परमाणु मॉडल छे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम छे, एनू एक क्लिप अथवा तो एक डूडल क्लिप द्वारा आपणे एनो फास्ट रिविजन करशुं अने नेक्स्ट लेक्चर थी ज आपणे नवो चेप्टर स्टार्ट करशुं। एटले आजे आपणे पहलेथी छेल्ले सुधी आप मॉडलमां आपणे आ चेप्टरमां शुं भण्या ते एकवार नजर नाखी लईए अने पछी आपणे स्टार्ट करीशुं बीजुं चेप्टर। हवे आना माटे हुं तमने एक मस्त अने तमने इंटरेस्ट पड़े तेवी एक मैं क्लिप जोयेली छे, ए हूँ तमने अत्यारे आमां विडियोमां शेर करीश तमारे साथे। बहु नानी एवी क्लिप छे अने एकदम ईजी तमने बधुं समज पड़ी जाय एवी एक क्लिप छे, ते आपणे जोईए। तो आपणे स्टार्ट करीए ए क्लिप द्वारा। का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अब तक हमारे दिमाग में कुछ बातें बैठ चुकी हैं, जैसे कि एटम सबसे छोटा होता है और फालतू में कैची चलाने से घर में लड़ाई होती है। तो इस चैप्टर में पता चलेगा कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों होता है, और इसके साथ ही हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पता चलेगा। सब एटॉमिक यानी वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं। तो 20th सेंचुरी में सब साइंटिस्ट के बीच कॉम्पिटिशन चालू हो गया था कि एटम का स्ट्रक्चर कौन बताएगा, क्योंकि बताने वाले को मिलेगा आलिया भट्ट के साथ डेट पर जाने का मौका 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 मौका। तो पहला साइंटिस्ट था ई गोल्डस्टीन। उसने गैस डिस्चार्ज की और देखा कुछ रेडिएशन निकल के आ रही है, जिनका नाम उसने कैनल रेज रखा। कैनल रेज वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो गैस से हाई वोल्टेज पास करने पर निकलते हैं जब गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। इंग्लिश में बोले तो कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास्ड थ्रू लो प्रेशर्ड गैस। तो मेन काम क्या हुआ कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए जो एटम के अंदर हैं और उनका चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन ये बकवास एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है। फिर आए जे जे थॉम्सन। उसने बताया कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो अब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल दिया गया। तो जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और इनके लिए उन्हें फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला। अरे यकीन मानो यार, मैं तुम्हारा अप्रैल फूल नहीं बना रहा, उसे फिजिक्स में ही नोबल प्राइज मिला था, चाहे तो बुक में देख लेना। तो थॉम्सन ने बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पर है। जैसे मान लो वाटरमेलन एक एटम है और उसमें लाल जो खाने वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
थॉमसन ने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को फ्रॉड बताया गया जब दूसरे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया कि एक पतली गोल्ड फॉइल ली, लगता बड़ा अमीर है, हमारे यहां तो एक तिजोरी है, उसके अंदर भी एक तिजोरी है, उसमें सोना रखते हैं, और ये हराम यहां सोने से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वैसे उसने गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पतली लेयर चाहिए थी, तो उसने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की रे हिट करी। अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज के हीलियम आयंस होते हैं जिनका मास 4 AMU होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल रे को गोल्ड फॉइल पर हिट करवाया गया तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि रे डिफ्लेक्ट होगी, पर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता कहाँ है, जैसे हम एग्जाम में 90% एक्सपेक्ट करते हैं पर आते तो 50% भी नहीं है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा 2 रेप्टे मारेंगे और लगते 10 हैं। तो रदरफोर्ड ने देखा ज्यादातर रेज बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा जा रही थी, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी तो भी छोटे मोटे एंगल से, और 12,000 रेज में से एक रे रीबाउंड हो रही थी, यानी सीधी जाकर सीधी वापस आ रही थी। भैया जी, रदरफोर्ड की कहानी अच्छे से सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि एग्जामिनर की फेवरेट कहानी यही होती है, पक्का एक क्वेश्चन तो आता है इस एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर खाली स्पेस है जिसके कारण अल्फा पार्टिकल रेज बिना डिफ्लेक्शन के सीधी जा रही थी। दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस में, क्योंकि कुछ ही रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी। और तीसरी बात कि एटम में एक छोटी सी जगह है जहां एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज बसा हुआ है, क्योंकि बहुत कम रेज 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी, यानी सीधी जाकर सीधी वापस आई थी। अब इन कंक्लूजन पर रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स बसे हुए हैं और एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही है। एक बात और, जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उसका 2000 गुना मास प्रोटॉन्स का होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसके बाद एक और बात बताई रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियाई का रेडियस एटम के रेडियस के मुकाबले लाख गुना छोटा होता है, जस्ट इमेजिन। पर रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ खराबियां थी। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए रदरफोर्ड का बाप पेट्रोल थोड़ी भर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा और घूमते घूमते न्यूक्लियस को हिट कर देगा, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसकी ये बात वायरल सच में झूठ साबित हो गई। तो रदरफोर्ड की खराबियां सही करने भोर मैकेनिक आया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं पर कुछ स्पेशल ऑर्बिट पर, जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड 4 ऑर्बिट्स हैं जिनको KLMN नाम दिया गया है, या फिर 1, 2, 3, 4 कह दो। इनमें रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते हैं। चलो इनकी बाद में बात करेंगे। अब तक 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, फिर तीसरा भी आ गया जिसको जे चैडविक ने डिस्कवर किया। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। इसका काम बस एटम का बोझ बढ़ाना था, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं था, बस इसके पास इसका मास था जो कि प्रोटॉन के बराबर है, और एटम के सारे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो किसी भी एटम का मास उतना होता है जितना मास उसके अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है, और न्यूट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वापस ऑर्बिट की बात करते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हर ऑर्बिट को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो उस नंबर का स्क्वायर करो और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे के ऑर्बिट का नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिलेगा 2। तो के ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसे ही एल ऑर्बिट का नंबर 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, यानी एल ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसे ही एम में 18 और एन में 32। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n², जिसमें n वो नंबर है जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा रूल है, जब तक इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स से ना भरे तब तक आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। जैसे जब तक k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं, तब तक l ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। थर्ड रूल है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। चलो, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया है तो अब बात करते हैं वैलेंसी की। तो जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1। इसका मतलब है कि के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 1। चलो एक और एग्जांपल ले लो, क्लोरीन का। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-7, यानी के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। जब एटम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह में, तो एटम चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाएं। तो अब ऐसा सिर्फ 2 ही हालातों में हो सकता है, या तो वो और इलेक्ट्रॉन्स ले ले और अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल कर ले, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स दान में किसी और को दे दे और अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा खाली कर दे। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करके भी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी। याद रखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 2 अलग अलग चीजें हैं, कहीं तो मैंने सेम समझ लो। यारों, अभी हमने पिछले चैप्टर में चार्ज पढ़े थे, तो वो चार्ज वैलेंसी की वजह से ही आते हैं। जैसे सोडियम का चार्ज -1 है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, जिसका मतलब है सोडियम रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा जिससे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भरा रहे। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है क्योंकि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। पर अब एक खास चीज और सुनो, फ्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इससे बढ़िया वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन ना कर ले, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 है। डेफिनेशन याद करो, मैंने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। यार बुक में भी पूरी एक टेबल दे रखी है, उसमें शुरू के 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी सब दे रखी है, तो कृपया करके उस पर जरूर एक नजर डाल ले। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो मैं बता दूं कि जितने प्रोटॉन्स एटम में प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटोन होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हुआ 1। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन एन एटम। और ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं,
अब चलो मास नंबर के बारे में सुनो। भाई हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी जीरो कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास से बनता है। तो मास नंबर का मतलब है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में बसे होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखने का तरीका होता है, वो है ये। बीच में सिंबल आता है और ऊपर लेफ्ट साइड में मास नंबर और नीचे लेफ्ट साइड पर एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल तुम नाइट्रोजन का देख लो तो वो तुम ऐसे लिखोगे। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं तो बात आई है आइसोटोप्स पर। तो आइसोटोप्स वो एटम होते हैं जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, सिर्फ मास नंबर अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्राइटियम। ये तीनों सेम एलिमेंट्स के हैं और सेम एटॉमिक नंबर है, बस इनके मास नंबर अलग अलग हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन हुई एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कुछ एटम्स के साथ क्या होता है कि वो दो आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास 35 amu होता है और दूसरे का 37 amu। वो हमारे वर्ल्ड में 3:1 के रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस डेटा के बेसिस पर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। 3:1 का मतलब हुआ कि 35 amu 75% है और 37 amu 25% है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 35 × 75/100 + 37 × 25/100, 105/4 + 37/4 equals to 142/4 equals to 35.5 amu। तो आंसर मिल गया है। अब आइसोटोप्स के फायदे क्या हैं, यूजेस क्या हैं, वो देखते हैं। तो सुनो, यूरेनियम के आइसोटोप से न्यूक्लियर रिएक्टर को फ्यूल मिलता है। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है और आयोडीन का आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो जल्दी से आइसोबार की बात करते हैं। तो आइसोबार अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो